वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. चिल्ड्रन, यस्टरडे आई वॉज डिस्कसिंग यूनिट 15 नाउन्स पोजेसिव एंड टुडे आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस चैप्टर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड टुडे आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. एंड बिफोर दैट लेट मी जस्ट रिवाइज. मैंने आपको कल दो रूल्स बताया था. आई टोल्ड यू टू रूल्स रिगार्डिंग पोजेशन. द फर्स्ट रूल वॉज कि इफ एनी नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल बट इट डज नॉट एंड इन एस, अगर कोई भी नाउन सिंगुलर या प्लूरल है और उसके एंड में, उस नाउन के एंड में एस नहीं आ रहा है, देन फर्स्ट वी यूज अपॉस्ट्रोफी, देन वी यूज एस. एंड सेकेंड रूल, इफ अ नाउन इज प्लूरल एंड इट एंड्स विथ एस एंड इट्स एंड इन एस, अगर कोई नाउन प्लूरल रहता है और वो एस से एंड करता है, फॉर एग्जाम्पल बॉयज, गर्ल्स, इस टाइप का कुछ भी रहता है, उसके लास्ट में एंड रहता है, देन वी पुट द अपॉस्ट्रफी आफ्टर एस. हम लोग एस के बाद अपॉस्ट्रफी यूज़ करते हैं. सो बेस्ड ऑन दीज टू रूल्स यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइजेज. यस्टरडे वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 and 2 एंड टुडे वील बी हेडिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. सो राइट दीज एक्सप्रेशंस यूजिंग अपॉस्ट्रफी और एस आफ्टर अपॉस्ट्रफी. सो आपको बताना है कि कहाँ पे आप पहले अपॉस्ट्रफी लगाओगे एंड कहाँ पे आप एस के बाद अपॉस्ट्रफी लगाओगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा. द टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इसमें कहीं एस तो नहीं है. इट इज़ नॉट इन प्लूरल, इट इज़ इन सिंगुलर फॉर्म एंड इट इज़ नॉट एंडिंग इन एस. तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका, लॉर्ड कृष्णाज टेम्पल. एंड हाउ वी विल राइट लॉर्ड कृष्णा, विल राइट Lord Krishna's and we'll give apostrophe where, here before S, Lord Krishna's temple, this way. Second, the toys of babies. See, babies is plural and it is ending in S. Babies ke end mein S aa raha hai. To ye jo noun hota hai, hame bas noun ko dekhna hai. Jo bhi yahan pe noun hai, लॉर्ड कृष्णा, बेबीज, टॉयज, वुमेन, अंकल, इसे हमें देखना है. अगर ये सिंगुलर में है या प्लूरल में है और एस से एंड नहीं कर रहा है तो पहले हम लोग अपॉस्ट्रोफी लिखेंगे, उसके बाद एस लिखेंगे. बट इफ़ इट इज़ प्लूरल एंड इट इज़ एंडिंग इन एस, देन वी राइट अपॉस्ट्रोफी आफ्टर एस. हाँ, तो द टॉयज ऑफ बेबीज, या बेबीज में इट इज़ एंडिंग इन एस, सो वॉट वी विल राइट, बेबीज and after s we'll give an apostrophe, babies, toys. Third, the books of boys. See again, boys is ending in s, so boys and after s apostrophe, boys, books. Fourth, the dresses of women. See, woman is singular and it is not ending in s, so how we will write, women's dresses. Women's and after n we'll give an apostrophe and then s and then dresses. Fifth, the name of my uncle. My uncle's name. My uncle. See, s is not there, so apostrophe will be before s. My uncle's name. Next question. Question number 6. The school in which Manikya reads. Manikya is singular and it is not ending in S. So, Manikya's school. Manikya's school. 7th. The office in which my parents work. Parents is plural and it is ending in S. So, अगर कोई भी noun S से end करता है, तो how do we use apostrophe? Parents after S apostrophe, my parents office. Question number 8. The kennels in which dogs live. Again, it is ending in S, so dogs, kennels.
Ninth, the tools used by a plumber. Plumber's tools. Tenth, the sandals of Nana. Nana is singular, so Nana's sandals. Is it clear? I hope the third question number 3 is clear to you people. बस आपको ये दो रूल याद रखना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू रूल्स दिस पोजिशन दिस चैप्टर विल बी ईजिली सॉल्व बाई यू. ओके, नेक्स्ट, राइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग अपॉस्ट्रफी बिफोर अस और अपॉस्ट्रफी आफ्टर अस. ओके, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी अंडरलाइन किए हुए हैं, वॉट एवर वर्ड्स आर अंडरलाइंड, उसका आपको पॉजिटिव चेंज करना है, पॉजिटिव में आपको उसको चेंज करना है, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द सेम. जो भी वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं आपको बस उसका पॉजिटिव चेंज करना है, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. द आईज ऑफ एन आउल आर वेरी बिग. द आईज ऑफ एन आउल, सो आउल इज सिंगुलर एंड इट इज नॉट एंडिंग इन एस, सो एंड आउल्स आईज आर वेरी बिग. जितना अंडरलाइन किया है बस आपको उसको ही चेंज करना है अपॉस्ट्रफी में, उसमें ही अपॉस्ट्रफी आपको यूज करना है. आउल इज सिंगुलर एंड इट इज नॉट एंडिंग इन एस, सो एंड आउल्स आईज आर वेरी बिग. नेक्स्ट, द नेक ऑफ अ जिराफ इज वेरी लॉन्ग. सो हाउ यू कैन राइट दिस? अ जिराफ्स नेक. जिराफ्स नेक. जिराफ्स After E apostrophe, giraffe's neck is very long. Question number 3. My uncle follows the advice of our doctor. My uncle follows our doctor's advice. My uncle follows. पहले इसलिए हम लोगों ने uncle follows लिखा है क्योंकि underline आपका rest जो second part है वहाँ पे underline किया हुआ है. So the first part will remain the same. And जहाँ पे underline किया हुआ है उसको you have to change. And you have to put appropriate apostrophe. So my uncle follows our doctor's advice. Doctors, how you will write doctors? Doctor, and after doctor you will give an apostrophe and then advice, because doctor is singular and it is not ending in s. Next, Nandini sells the purses of the ladies. See, ladies, it is ending in s. So how you will use apostrophe? You will use apostrophe after S. Nandini sells the ladies' purses. Ladies after S, give an apostrophe. The ladies' purses. I am not writing the whole sentence since space is limited. And you have to write the whole complete sentence. You have to write the complete sentence. Next, the teacher is checking notebooks of the students. The teacher is checking the student's notebook. The student's notebook, जो noun आपका end में है वो पहले आ जाएगा और जो last में दिया हुआ है notebook वो पीछे चला जाएगा. So the teacher is checking the student's notebook. Students is plural and it is ending in s. तो फिर कैसे लिखेंगे? Students, and after students give an apostrophe. The teacher is checking the students' notebooks. Next, question number 6. The dresses worn by children are very beautiful. अब देखो children, children is plural but it is not ending in s. इसमें end plural में है but फिर भी वो s नहीं आ रहा है last में. So how you will write children? After children, give an apostrophe and then s. So children's dresses are very beautiful. This way. Children's dresses are very beautiful. Next, the hostel in which girls live is under construction. So, girls' hostel is under construction. Girls' hostel. Girls, plural, it is in plural and it is ending in S. So, after apostrophe will be given after S. Girls' hostel is under construction. Last question. The books of this author are very popular.
author, this author, author is singular. So this author's books are very popular. Author's books are very popular. So I hope the rule, both the rules are clear to you people. On the basis of these two rules, the whole chapter is based on these two rules. So please try to understand these two rules properly. Thank you.